जी भाई आ गए एक और न्यू वीडियो लेकर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। शायद कोई ज़्यादा हाई टेक भी नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा कोई लो भी नहीं बोलेंगे, और इतनी डिटेलिंग वीडियो मेरे हिसाब से तो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। इतनी डिटेलिंग वीडियो बताऊँगा और शायद है ना जिस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा ना मैं उस चीज़ पर भी शायद आपको वीडियो नहीं मिलने वाली है बिल्कुल भी, चाहे कितना सच मान लेना आप। काफ़ी स्काई शॉट की टेस्टिंग की वीडियो मिल जाएंगी, चक्रियों की मिल जाएंगी, अनार की मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी कि हाँ जी हमने ये क्रैकलिंग शॉट चला दिया, हमने वो चला दिया। बाकी देखो दिवाली आने वाली है और इतनी डीपली वीडियो जो आज मैं बनाने वाला हूँ ना शायद वो वीडियो आपको शायद यूट्यूब पर भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाऊँगा ना एक तो थोड़ा सा मतलब चलाने को पर्पज़ भी है, आपके घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं बड़े बच्चे रहते उनके ऊपर भी है, ठीक है ना। और किस पर्पज़ के लिए एक चीज़ बता तो पहले दिखाते फिर बात करते हैं। आज है हमारे पास दो तरह की फुलझड़ियाँ, ठीक है ना, दो तरह की फुलझड़ियाँ, और इनमें कोई मतलब न कंपनियों पे मत जाना, जैसे कि टिम टिम की पारस फुलझड़ी है, ये पोगोई कलर स्पार्कल है, ठीक है, ये दोनों अपनी जगह ठीक है प्राइस के हिसाब से जो रेगुलर में चलती हैं। एक इतनी डीपली शायद मेरे हिसाब से तो इतनी डीपली आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि इस पर भी साफ साफ मेंशन किया है कलर स्पार्कल 35 नंबर, और इस पर भी वही सेम ही लिखा होगा कलर स्पार्कल। बाकी इन इन दोनों में नहीं, इन दोनों में दिन रात का डिफरेंस है, और जब मैं इनको आपको चला के दिखाऊंगा या इसकी डिटेल बताऊंगा तो ही आपको इस चीज़ की पता चलेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पर कोई बनाता भी नहीं होगा। काफ़ी बनाते रहते कि भाई हमने तो ये चला दिया, हमने सोनी का ये स्कर्ट चला दिया, क्योंकि इतनी डीपली शायद मेरे हिसाब से तो होगा नहीं कि क्योंकि कोई इतनी डिटेलिंग वीडियो आपको दिखा पाए, ठीक है। और ये चीज़ आपको है ना इतनी डिटेलिंग वीडियो जो मिलती है ना बालाजी पटाख गोदाम के चैनल पर मिलती है, तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और डिटेलिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ, और आप दिखाते डिटेल, और क्या डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पहले जो अपना आज का रेट है इसका 25 रुपये, ठीक है, शायद 20 रुपये से स्टार्ट हुआ, 20 रुपये स्टार्ट हुआ, 23 हुआ, फिर आज का रेट है 25 रुपये, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फुलझड़ी जो आप घर पे चलाते हो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की फुलझड़ियाँ होती है, इसके अंदर कुछ चमकीले वमकीले रहते हैं, ठीक है, और पूरी मोटाई भी है। काफ़ी बंदे ये सोचते हैं अरे यार मोटाई ठीक है इसकी, चलो यही उठाते हैं, ठीक है। बाकी है ना जब ये आप चलाते हो ना घर पर तो बहुत लेट चलती है, मतलब माची से तो ना चला चलाओगे थक जाओगे, माची से तो चलने का नाम ही नहीं है, या फिर लाइटर से चलेगी या फिर गैस के ऊपर ऐसे लगाते रहो यार तो चलेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत हार्डली चलती है और है ना चटर पटर भी बहुत ज़्यादा करती है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और आप दिखाते हैं दूसरी तरह की फुलझड़ी आपको, ठीक है ना, ये है जी फुलझड़ी, ये देखो, नहीं कोई इस पर चमकीला है, नहीं कुछ हो रहा है, अगर एक माचिस की तिल्ली से इस फुलझड़ी चलाओगे ना तुरंत चल जाएगी ये, ठीक है ना। और लंबाई देख लो, इससे तो डबल है, ये लंबाई देखो इसकी, इससे तो डबल है, और है ना तुरंत जलेगी ये तुरंत प्रभाव से, ठीक है। और ये है ना ये जलने में इतना टाइम लेगी बहुत ज़्यादा, अगर कॉस्ट की बात करें तो ये जो होगी ना ये बिल्कुल प्लेन फुलझड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि कोई काफ़ी बंदे बोलते हैं कि भाई इसको पर अंदर मिट्टी नहीं मिली होनी चाहिए, बिल्कुल हमें तो प्लेन बिल्कुल साफ़ सुथरी फुलझड़ी चाहिए, तो ये वो है, ये 30 रुपये बॉक्स होने वाला है ये, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आके बोलोगे जी हमें तो बिल्कुल प्लेन और अच्छी वाली फुलझड़ी चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे लेके आ देगा, रिंकू भी है सेठी भी है, आप उनसे बोल देना वो आपके लिए लेके आते लेके आ देंगे तुरंत, ठीक है। और ये है कि रेगुलर में जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी कहीं भी, और ये है ना ये तो आपको हर कई जगह मिल जाएगी, 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये, बाकी ये है ना इस तरीके की फुलझड़ी बहुत कम ये मिलेंगे, तो सिर्फ कलर फुलझड़ी मिलेंगे ग्रीन में या रेड में, एक ओके नॉर्मल जो होती है ना उसमें नहीं मिलने वाली ये चीज़। और चला के बताता हूँ क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है, बाहर चलाते हैं इनको, ठीक है ना। अब यहाँ पे चला के दिखाते हैं एक बार, माचिस लिया, माचिस लिया पहले, यहीं पे लिया पहले, ठीक है ना, ना माचिस माचिस पहले माचिस चला, माचिस चला के दिखा इसको यार, इसको है ना पहले माचिस चला के दिखाते हैं, और चलने में ना देखो कितना टाइम लेगी ये, ठीक है ना, ये देखो माचिस से नहीं चलने वाली है बिल्कुल भी, मतलब ऐसे है ना तिल्ली बुक जाएगी अब ये नहीं चलेगी बिल्कुल भी, देख लो, चली चली चल जा चल गई, देखे कितना टाइम दिया इसने, ठीक है ना। और ये एक थोड़ा सा चटर पटर, देखो मेरे हिसाब से अभी ये भी ये चीज़ में फर्स्ट टाइम चलाऊंगा अभी आपकी बात, ठीक है।
एक धुआं भी इतना मतलब ज़्यादा हाई तो नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ग्रीन के हिसाब से ठीक नहीं। तो पहले आते थे ना बहुत ही ज़्यादा धुआं रहता था इन अंदर, ठीक है, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, ज़्यादा मतलब कि नहीं ज़्यादा चटर पटर कर रही, मतलब नॉर्मल है। अपने बच्चे के लिए तो सेफ है, मतलब फिर भी मेरे जो हाथ पे ना फिर भी थोड़ा फर्क दिख रहा है कि थोड़ा चटर पटर कर रहा है, तो हाड़ की मड़ी चिंगारी इसके ऊपर आ रही है, ठीक है ना। और फिर भी आगे ये माने चलो कि रिंकू ने जब चलाई होगी ना थोड़ी बहुत तो तपत तिल्ली की उसके आंगलियों पे उंगलियों पे लगी होगी, ठीक है, लगी होगी इसकी उंगली, पक्की बात है। फिर भी इसने चलाई और कोशिश की, हवा चल रही थी इसके बावजूद भी, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल थी, ठीक है, अरे ज़्यादा स्वाद मतलब यार, एक तो ये नॉर्मल वाली थी। आप दिखाते हैं इसको, ठीक है, ये देखते कितना टाइम लेती चलने में। अरे इसने तो टाइम ही बहुत ज्यादा ले लिया यार, दोबारा चला यार, दो यार इसे जल्दी तो वही चल गई थी, बाकी चला के देखते हैं। हाँ हवा चल रही थी ना उस वजह से थोड़ी जो है ना तपत लग नहीं रही थी, बाकी है ना एक हल्की सी तिल्ली में ही मतलब इतनी सी बुझी, इतनी सी चली होगी, इतनी सी उसमें ही चल गई है, धुआं तो उससे कम है, उससे तो मतलब कम ही धुआं है, ज़्यादा नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं। और ना एक चीज़ और है, जब है ना वो जितनी जली थी ना, जितनी जल्दी से जली थी ना, ये नहीं जल रही इतनी जल्दी, मतलब कि इसके अंदर बोलें तो पूरा मसाला होता है उसके अंदर, मतलब कि इस टाइप की मिट्टी मिली होती है कि वो बारू के अंदर थोड़ा सा वो ना हो। और अभी तो यार बहुत लंबी है ये, ठीक है ना, वो जब हवा चली थी ना फर्स्ट दिल्ली में नहीं, दूसरी में तो ना एक छूते ही थोड़ा सा जब भी तभी चल गई थी वो। और इसकी एक चिंगारी अभी इतनी मुझे महसूस हो नहीं, क्योंकि है ना एक मेरे हिसाब से साइज़ भी थोड़ा लंबा है, और वो साइज़ भला ही आपको मोटी दिख रही हो, बाकी डब्बे के अंदर तो टाइम तो पूरा इसका, ठीक है ना। एक बात है, 5 रुपये का भी बहुत ज़्यादा फर्क है यार इसके अंदर तो, ये चीज़ तो। ये है रियल जो 30 नंबर 35 नंबर बोल देते हो, ठीक है ना। और धुआं तो है ना बिल्कुल लग ही नहीं रहा है इतना यार जो होना चाहिए। और टाइम देखो इसका अगर वो है ना जो पिछली वाली फुलझड़ी थी ना, ये मान के चलो इसकी 15 नंबर और उसकी 30 नंबर बराबर ही होगी। चीज तो यार ये बहुत तो बोली, 5 रुपए का नहीं मतलब डबल का ही फर्क मानिए चलो आप, ठीक है ना, डिफरेंस तो यार बहुत ज्यादा इस चीज़ का, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।